एसपी कार्यालय पहुंचे जैन परिवार के लोग ने शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि मैं शिवानी जैन पति नितेश कुमार जैन, हमारे पूरे परिवार का प्रॉपर्टी विवाद हमारे चाचा श्री संतोष जैन से चल रहा है। उनकी पुत्री कुमारी सौम्या जैन, मेरे पति नितेश जैन व मेरे देवर जय जैन को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी, जैसे तेजाब फेंकने, गोली मारने के आरोपों में और पूरे परिवार को जेल में भेजने की धमकी दे रही है और केस में फंसाने की भी धमकी दे रही है। साथ ही भविष्य में यह भी संभव है कि मेरे पति नितेश जैन और मेरे परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों को महिला उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध जो भी दुराचार से संबंधित आरोपों में फंसा सकती है, क्योंकि वर्तमान में उसके द्वारा एसपी ऑफिस के सामने मीडिया को दिए गए बयान में हमारे सदस्यों के बिना अनुमति वीडियो बनाकर उन वीडियो से छेड़छाड़ कर मीडिया एवं सोशल मीडिया में दिखा रही है, जिससे कि हमारे परिवार की बदनामी हो रही है। और उसमें यह कह रही है कि मेरे पति एवं देवर द्वारा उसे तेजाब फेंकने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी मेरे पति नितेश जैन के ऊपर 26/6/2024 को प्राण घातक हमला इनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया, जिसकी FIR संजीवनी नगर थाना में कराई गई, जिसका की FIR नंबर 0230 है, जिसके साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे परिवार को संरक्षण दें व भविष्य में कोई भी गलत रिपोर्ट मेरे पति या मेरे परिवार की किसी भी महिला या पुरुष सदस्य के विरुद्ध कराई जाती है तो उसकी पहले निष्पक्ष जांच हो फिर कार्रवाई हो। ठीक है जी, बताएं सर। एक महिला द्वारा श्री सौम्या जैन के द्वारा एक SP साहब को एक ज्ञापन दिया गया था, उसके विरुद्ध में हम आज अपने एविडेंस श्री SP साहब के पास आए थे, जहां हमने उनको बताया है कि सर ये साक्ष्य सब झूठे हैं, हमने पूरे फोटोज वगैरह उनको दिखाए हुए हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि सर इसकी पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, जिससे हमको उचित कार्रवाई मिले, उचित हमको न्याय मिले। और उनने जो हमारे ऊपर तेजाब फेंकने के और तुम्हारे से गोली मारने के जो आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं और निराधार हैं और तुम्हारे से निष्पक्ष हैं, मतलब बिल्कुल कोई जांच वो नहीं है। ये संजीवी नगर थाने का है। थाने में शिकायत की थी आपने? हमने थाने में शिकायत करी है, 230 FIR नंबर है हमारा। उनने हमको भी मारा है, हमारा ये पूरा सूजा हुआ है, यह पूरे अंदर खाना खाते नहीं बन रहा है सर, ये गले के अंदर ने छाती में बैठ के हमको मारा है सर। सर निष्पक्ष जांच चाहते हैं, SP साहब से ये दरखास्त है कि निष्पक्ष जांच करें और उचित कार्रवाई करें परिवार के सदस्यों के ऊपर। उनके नितेश कुमार जैन, सौम्या जैन जी बताएं आज SP ऑफिस आए क्या? आज मैं SP ऑफिस सर के पास यही याचना लेके आई हूँ कि जो मेरे पति के ऊपर सौम्या जैन द्वारा आरोप लगाए गए हैं तेजाब फेंकने और गोली मारने के, ये निराधार हैं। उनके द्वारा जब भी मेरे पति उनके पास विनम्र निवेदन करके गए हैं, जो भी प्रॉपर्टी विवाद है उसको लेके उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा वीडियो बनाया जाता था, उसकी एडिटिंग करके कराई जाती थी और फिर मीडिया में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में और सामाजिक लोगों को दिखाया जाता था कि हम कितने सही हैं और वो कितने गलत। जो बहन, जो भाई 2 साल पहले तक उनके लिए भैया और भाभी बहुत प्यारे हुए करते थे, आज वो उसी के ऊपर तेजाब फेंकने का आरोप लगा रही है। हमें तो ये पता भी नहीं था कि उसकी शादी होने वाली है, उसने खुद ही बताया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ SP सर से मैंने निवेदन किया है कि सर आप इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और उचित कार्रवाई कीजिए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो जो संजीवनी नगर थाना है वहाँ पे उन्होंने वो भेजा है, कागज़ भेजा है और वहाँ से वो निष्पक्ष जांच करवाएंगे। आपका नाम बताओ? मेरा नाम निकिता जैन है, मेरे पति का नाम जय जैन है, जिसके ऊपर इसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। ठीक सर, को लड़की आज ये गलत आरोप लगा सकती है, कल को वो मेरे परिवार के जो भी पुरुष सदस्य हैं उनके ऊपर वो महिला उत्पीड़न, दुराचार, किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकती है, क्योंकि जब महिलाएं अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती हैं तो वो फिर किसी से भी नहीं डरती हैं। धन्यवाद।